वेलकम बैक, फिर से एक बार स्वागत। आप प्रोग्राम सलाम जी के देख रहे हैं, 9 बज रहे हैं और अभी भी एक घंटे का हमारा आपका साथ रहेगा। लेकिन अब जरा वादी कश्मीर में उस वादी की तरफ आपको लिए चलते हैं जो एक जमाने में मिलिटेंटों का गढ़ माना जाता था, या ये वो हिस्सा है जो भारत और पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब है और दोनों अतराफ से हो रही फायरिंग में यहां पर मकामी आबादी ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। जान माल का तहफ्फुज इंतहाई मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस खूबसूरत इलाके के अंदर अब नजर पड़ी है बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, एक्टर्स की, क्रू मेंबर्स की, जो मौजूदा वक्त में फिल्म शूटिंग का हिस्सा हैं। तस्वीरें आपके सामने गुरेज हैं, वादी गुरेज के अंदर, जहां सरमा से कबल, चूंकि अब आप देखेंगे 20-25 दिनों के बाद अब सीजन की जैसे पहली बर्फ पड़ेगी, उसके बाद ये इलाका बाकी इलाकों से एक तरह से पूरी तरीके से कट कर रह जाएगा, राबता मुनक़ता हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत मकाम से या इसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में बाहर से तो लोग आए हैं, लेकिन मकामी कुछ जो फनकार हैं, मकामी कुछ आर्टिस्ट हैं, वो भी इस फिल्म शूटिंग का हिस्सा हैं और फिल्म शूटर्स ने बहुत सारी यहाँ बातें कही हैं। लेकिन ये ऐसा पहला मौका है यहाँ पर वादी गुरेज के अंदर जब पिछले 20 दिनों से गौहर एक ही मकाम पर फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। जी हाँ, जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर इंतजामी की बात करेंगे, जब ये पॉलिसी जो है शुरुआत इसकी हुई है, तो उसके बाद ही एलजी इंतजामी की जानिब से एलजी ने खुद ही इस हवाले से कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि सियाहती नक्शे पर लाने की उन्हें ज़रूरत है, और जब वहाँ पर ये जो फिल्मों की शूटिंग होगी तो वहाँ पर जो मकामी आर्टिस्ट हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, चाहे सॉन्ग शूट करने का, चाहे फिल्मों में काम करने का, चाहे कुछ सीरियल्स में काम करने, ड्रामों में काम करने का उन्हें भरपूर मौका दिया जाए। और जिस तरह से वहाँ पर अब फिल्म चल रही है, शूटिंग चल रही है, पिछले लगातार कुछ दिनों से वहाँ पर शूटिंग चल रही है, इससे एक जो है एक चीज़ सामने आती है कि जिससे कि न सिर्फ उस इलाके की खूबसूरती जो है मुल्की और आलमी सतह पर इसे देखने का मौका मिलता है कि यह वादी गुरेज कितनी खूबसूरत और वहाँ के लोगों का रहन सहन और वहाँ के लोगों का कल्चर किस तरह का है वो भी सामने आता है फिल्मों के जरिए। इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे पुराने ज़माने में भी जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की ऐसी मकामात पर जो फिल्मों की शूटिंग हुई है, कुछ ऐसी फिल्में हैं, यादगार फिल्में, बेहतरीन फिल्में और हिट फिल्में हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में शूट किया गया है, खासकर वादी कश्मीर में शूट किया गया। आज भी उन जो फिल्मों का नाम जो है वो उनका जिक्र भी होता है, लेकिन लगातार पिछले तकरीबन 10 दिनों से वादी गुरेज में इन फिल्मों की शूटिंग है। जो बॉलीवुड से आए हैं कुछ प्रोड्यूसर आए हैं, डायरेक्टर आए, और इस वक्त जो है लगातार वहां पर शूटिंग हो रही है। चाहिए थोड़ा प्यार नाम से एक फिल्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है, और ट्रैकर्स कुछ जो कि वेस्ट बंगाल से भी आए हैं, कुछ जो बाकी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कुछ साउथ से यहां पर पहुंचे हैं। तमाम लोगों की सिक्योरिटी का जिम्मा मकामी कश्मीरी आबादी ने उठाया है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मशवरा दिया है कि इन खूबसूरत इलाकों में एक कमी हमने महसूस की है, वो है कि जो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सही इंतज़ाम नहीं है। खाने पीने की अशिया के बाद जो चीज़ें बचती हैं, जो पैकेट्स वगैरह हैं, पाउचेज हैं, कागज़ हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, ये जो सॉलिड वेस्ट है उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करने की ज़रूरत है, ताकि इन मकामी जगहों पर ये जो खूबसूरत मकामात हैं इनकी कम से कम तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और माहौलियात भी आलूदगी से पाक रहें। इन तमाम एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने क्या कहा और कैसा महसूस करते हैं, आप खुद सुनिएगा वादी कश्मीर पहुँचने के बाद। इस पे ये मेरा 7th टाइम है। पहली बार जब आया वहाँ पे एक बहुत अच्छे इंसान मिल गए, उसके नाम एजाज धर है। उसने सब अच्छे अच्छे ऐसा लोकेशंस देखा शेखपुरा में, बख्तौर में, दासन हाइट्स में, कि तभी लगा कि अब यहाँ गुरेज पे शूटिंग करना है एक फिल्म। तो उसके बाद भी मैंने आया प्रॉपर रेकी करने के लिए, कहानी के लिखने के लिए। तो गुरेज बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है कोई भी फिल्म, हिंदी फिल्म यहाँ अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी द फर्स्ट वन टू बी शूटिंग यहाँ। एंड लेकिन एक चीज़ मुझे देखकर आज बहुत दुख हुआ, जब मैं कृष्णगंगा के पास शूटिंग कर रहे थे, इतना वहाँ प्लास्टिक और प्लास्टिक प्लेट्स और बॉटल्स सब गंदगी हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो अथॉरिटीज़ है इमीडिएटली वेस्ट डिस्पोजल का कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये जो सुंदर, इतना सुंदर लोकेशन है, ये नदी, ये जगह पूरा विल गेट रियली पोल्यूटेड। Hi guys, my name is Akash. I'm an actor and I'm based in Kochi in Kerala.
I've come to Gurez Valley with the team of We Are, directed by Mr. O'Neill and produced by Anti-Clock Films. We are shooting in Gurez Valley, Pakthur, Bandipora, and all such wonderful places. And I honestly cannot grasp the beauty of this place. I don't think words or even pictures can kind of define what I see here. And I've seen the kind of sights that even Europe can't match up to. So I've had a great time. I hope all of you can come here and see this wonderful space. There is such lovely people like Ajaz Bhai, Ayaz Bhai, so many wonderful people. Amazing food, guys, by the way. You have to come and have the amazing food as well. And I hope to see you all soon. Bye-bye. बहुत अच्छा लगा गुरेज आके. लाइक मैं पिछले साल आया था तो उस टाइम पे बहुत पसंद था ये जगह शूट करने के लिए. लाइक मेरे को अभी पहली बार लाइक पहला फिल्म है मेरा और बहुत अच्छी लोकेशन है और कश्मीर में शूट करना इज ऑलवेज लाइक हेवन. और लाइक मज़ा आया काफ़ी शूट अभी तक जितना भी शूट गया सब बहुत मज़ा आया. आगे भी इंशाल्लाह कश्मीर आएंगे गुरेज में शूट करेंगे. तो चलिए थे बॉलीवुड से आए हुए लोग गुरेज वैली में. इस वक्त जो फिल्म की शूटिंग हो रही है तकरीबन माना जाता है कि 60% जो इस फिल्म में डायलॉग्स हैं वो सिर्फ कश्मीरी जुबान पर उन्होंने इसमें शामिल किए हैं. तो बढ़ते आगे बात जरा हम करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से. आज गुपकार की जो आज पीएचईडी की आज मीटिंग होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर आज पीएचईडी की मीटिंग होगी. जो श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीएचईडी के भी सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी रिहाइश पर आज मीटिंग होगी. और मीटिंग में वोटर लिस्ट और नई पॉलिसियों पर बात होगी. और जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरज हाल है आज उस पर जो है बातचीत होगी. इस मीटिंग में जो पीएचईडी के मेम्बरान हैं जिनमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारीगामी हैं और साथ ही साथ मुजफ्फर शाह और दीगर जो भी लीडरान हैं वो आज इस मीटिंग में शामिल होंगे. और जो वोटर लिस्ट के हवाले से बात की गई उस पर आज बात होगी. और साथ ही साथ जो दीगर मामलात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उन पर बात होगी. और माना जाता है कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और आगे की हिकमत अमली क्या कुछ करना होगा उस पर भी आज इस मीटिंग में बातचीत होगी. आज की मीटिंग में मुख्तलिफ मामलात हैं जिन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा. नई हुकूमत की जो एक्साइज पॉलिसी के तहत भी पिछले कुछ दिनों के दौरान फैसले इंतजामी काउंसिल ने लिए हैं उस पर गुपकार अलायंस के तर्जमान के मुताबिक बात की जाएगी. दूसरा आगे की स्ट्रेटजी क्या है वो भी चौकआउट होगी, प्लान तैयार किया जाएगा. गैर मकामी अफराद को वोटिंग के हकूक देना वो एक बड़ा मसला पार्टियों की नज़र में है, उस पर बात की जाएगी. लेकिन आज का दिन जहां पर श्रीनगर के अंदर मीटिंग होगी इस पर सबकी नज़रें रहेंगी. 11 बजे के आसपास ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर शुरू होगा. दूसरी बात यह है कि कल का दिन छोड़कर फिर परसों एक बार फिर से एक और अहम इजलास तलब किया गया जम्मू में और यह है कुल जमाती इजलास. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, परसों भी मीटिंग होगी जम्मू के अंदर और 14 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के की नुमाइंदगी करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, जिनमें रमन भल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस से, शेख अब्दुल रहमान है फॉर्मर एमपी हैं, रतन लाल गुप्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, महबूब बेग पीडीपी से, एएस रीन पीडीपी से, गुलचैन सिंह चाड़क डीएस सभा चौधरी लाल सिंह है डोगरा स्वाभिमान संगठन वो भी जम्मू में मौजूद हैं, मनीष साहनी है शिवसेना से, हरी सिंह है सीपीआईएम की, इसके अलावा जीएम मिजराब हैं सीपीआई से, इनका ताल्लुक भी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर अहमद शाह, आईडी खजूरिया आईडीपी से हैं और डॉक्टर एम हुसैन है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से. तो ये तमाम लोग हैं जो जम्मू में भी उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, यानी आज श्रीनगर के अंदर और उसके बाद फ्यूचर स्ट्रेटेजी मजबूत तरीके से मुस्तकिम तरीके से बेहतर बनाई जाए, आगे बढ़ा जाए और एक मजबूत स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाए, इसके लिए जम्मू के अंदर भी जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग 17 तारीख को बुलाई गई है. तो 3 दिनों के अंदर बैक टू बैक 2 मीटिंग्स है, सिर्फ कल का दिन है, थोड़ा ब्रेक है और श्रीनगर से जिन लीडरान को है वो कल सुबह या परसों सुबह 17 को सुबह जम्मू पहुंच जाएंगे जिसके बाद इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे. चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर से जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आईईडी बरामद की गई है सोपोर. शुमाली कश्मीर में सोपोर और बांडीपोरा रोड से पहले मुश्तबा शह बताया जा रहा था, अब कंफर्म किया जा रहा है ये आईईडी है. इलाके में ट्रैफिक को रोका गया है,
लेकिन अब तफसीलात ये भी मिल रही हैं कि इस आईडी को नाकारा भी बना दिया गया है। बहुत जी नाज़रीन, बात करेंगे बांडीपुरा सोपोरा जो खबे हैं वहां पर एक आईडी बरामद की गई है। जब पुलिस जब फोर्सेस की जानिब से आज सुबह ही जब वो निकली थी तो उसके बाद ही वहां पर एक मुश्तबह शाय मिली। मुश्तबह शाय मिलने के बाद ही जब उसे देखा गया, जांचा गया तो वहाँ एक आईडी, जब फोर्सेस ने कहा है कि एक आईडी है तो आईडी के बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है, जिसके बाद ही अब जो है इस आईडी को नाकारा बना। ये आप विजुअल्स देख सकते हैं, ताज़ा तस्वीरें श्रीनगर बांडीपुरा रोड की, जहाँ पर आईडी को डिटेक्ट किया गया, उसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इसे नाकारा बनाया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं मणिपुरा से हमारे नुमाइंदे जहूर अहमद। जहूर, क्या कुछ अपडेट है? जो आईडी बरामद की गई है क्या उसे नाकारा बना दिया गया है? क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल गवर, अगर हम बात करेंगे बांडीपुरा सोपोर रोड जो सोपोर को कनेक्ट करता है स्टिंगू गांव के नजदीक, सुबह से जो एक रोड ओपनिंग पार्टी है, जो आर्मी की रूटीन में एक रोड ओपनिंग पार्टी होती है, जो रोड को सिक्योरिटी के लिहाज से उसको पहले देखते हैं कि कुछ आस पास मत है, उन्होंने एक आईडी को पाया है जो एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट में स्टिंगू गाँव के नजदीक पाया गया है। उसके बाद उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहाँ पे तलब किया गया है और अभी अगर हम बता रहे हैं कि इस आईडी को जो है नाकारा बना दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक की जो नकल हमल है वो दोनों अतराफ से अभी बंद है और जो सिक्योरिटी फोर्स का जो पैरा है वो अभी मौजूद है और अभी आसपास फिर दिखाया जा रहा है, वहां स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, वहां देखा जा रहा है, वहां टंगाला जा रहा है कि और कुछ मवाद ना मिल सकता या कुछ और क्लू मत मिलेगा। जो सिक्योरिटी फोर्स का जो पैरा है वो अभी यहाँ पे जो है मौजूद है। जी गवर, जोर से ये भी बताएगा क्या ये जो आईडी थी क्या किसी सिलेंडर में थी या किसी और चीज में या प्रेशर कुकर में, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है? जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया था ये एक गैस सिलेंडर जो होता है जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी गैस सिलेंडर में इसको रखा गया था। साइड में जो रोड साइड होता है उसी में पाई गई, जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है आर्मी की उन्होंने इसको पाया गया और उसको उन्होंने तुरंत अपने ऑफिसर्स के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म किया गया है। उसके बाद इस आईडी को जो है वहां पे नाकारा बना दिया गया है। हालांकि जो रोड है उसको पहले ही जो ही आईडी डिटेक्ट हुई तो रोड में जो ट्रैफिक है दोनों तरफ से जो है इनकी नकल हमल है वो बंद कर दी गई है। अभी अगर हम बता रहे हैं वहां पे जो अभी भी जो हालांकि डिफ्यूज कर दी गई है आईडी, लेकिन जो ट्रैफिक की नकल हमल है वो अभी भी बंद है। जी गवर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जहूर अहमद, ये थी बांडीपुरा से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां आईडी को नाकारा बना दिया गया, जो माना जाता है कि गैस सिलेंडर में एक आईडी थी, जिसके बाद ही जो रोड ओपनिंग पार्टीज हैं जो सुबह सुबह मामूल के गश्त पर निकलते हैं तो उसके बाद ही उन्होंने एक मुश्तबह शाय मिली। मुश्तबह शाय देखे जाने के बाद जब पूरी तरह से इसे खंगाला, जांचा तो वो एक आईडी बरामद हुई है, तो आईडी के मिलने के बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है और जिसके बाद ही उसे अब नाकारा बना दिया। लेकिन अभी भी अब जो है ट्रैफिक रोका गया है और कुछ टाइम के बाद ही अब माना जाता है कि अब ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक वहां पर बहाल किया जाएगा। बात अब जरा तालीमी इदारों के हवाले से करते हैं और बात चूंकि मुख्तलिफ इदारों को कुछ अहकाम माजी में दिए गए, लेकिन एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई वो बहुत सारे स्कूलों की पोल खोलती है। कई ऐसे स्कूल जिन्होंने अभी तक इस पर काम सख्ती के साथ नहीं किया है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक या ये जो रिपोर्ट ताज़ा सामने आई है वो बताती है कि हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी हुई है और ये खिलाफ वर्जी किसी और ने नहीं, मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स ने की है, निजी स्कूलों ने की है और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो कि सरकार के नोटिस में थी इसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। सरकार ने सख्ती से हिदायत जारी की थी लेकिन प्राइवेट स्कूलों की अक्सरियत है जो तलबा की मशीनों के बगैर इस वक्त काम कर रही है, जहां पर उन्हें आज के वक्त में स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर्स तैनात करने की ज़रूरत थी लेकिन वो नहीं कर पाए। दरअसल ये इंतज़ामिया ये मानती है कि जम्मू कश्मीर में जो मेंटल हेल्थ है और मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक बढ़ते हुए खदशात के दरमियान जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी तक तलबा के लिए मुशीर या जो काउंसलर्स हैं उनकी तकर्री नहीं की है। मंशियात मुस्तकबिल में तबाहकुन सूरत हाल की तरफ ले जा सकती हैं और दूसरा
जो इंतजामी की नजर में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गए, और कोविड के दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई जिनने ये बताया कि बच्चों की जहन पर कैसे मनफी असरात हालात के मुरतब हो रहे हैं। लेकिन तलबा के लिए उस वक्त इंतजामी की जानिब से हिदायत दी गई, ये जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स थे कहा गया कि आप बच्चों के लिए ऐसे काउंसलर्स तकर्रुर कीजिएगा जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि कम से कम इन नेगेटिव चीज़ों से, इन खतरनाक चीज़ों से बाहर निकालने के लिए या इसकी तरफ किसी बच्चे का जहन ना जाए उससे बचाने के लिए वो फौरी तौर पर काम करें। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज यानी IMHANS कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर जिसे आप कहते हैं, इसकी तरफ से ये तहकीक की गई स्टडी रिपोर्ट है जिसमें पता चला कि दो तिहाई से ज़्यादा मरीज 2011 से मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्रें 11 से 20 के दरमियान की है यानी 11-20 ईयर्स हैं। ऐसा ग्रुप है जिसमें मंशियात का इस्तेमाल बच्चे सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर कैसे काबू पाया जाए इसके लिए रिपोर्ट में कुछ चीज़ें और बताई गई हैं डिटेल वाइज। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त हैं, बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद रिपोर्ट में कहा गया है, GMC के जरिए तहकीक हुई है और जो स्कूलों से कहा गया था कि आप काउंसलर्स लगाइएगा, जिम्मेदारी उन्हें दीजिएगा कि बच्चों का जहन ऐसा तैयार किया जाए, ऐसी प्रिपरेशन हो कि वो इस चीज की तरफ सोचे ही ना, लेकिन आज ये स्टडी बताती है, तहकीक बताती है कि बहुत सारे स्कूलों ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बखैर आसिफ रशीद और गौर कुछ है नाजरीन, और साथ ही साथ जहां तक आपने इस इशू के हवाले से बात की है, देखिए ये एक बर्निंग एंड बॉइलिंग इशू है। सबसे पहली बात तो अगर देखें तो समाज में जब इस तरह के मिनंस होता है तो कहते हैं ना कि धीरे 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 जब ये इन्वॉल्व होता है तो कई सारी मसाइल या प्रॉब्लम्स खास तौर पर शुरू हो जाती है। अब ये कॉमन सब्सटेंस की जहां तक आपने बात की है या जहां तक आपने 2/3 जो है इस सब्सटेंस को लेकर जिसमें आपने एज ग्रुप भी कोट कर लिया है 11-20 ईयर्स, ओवरऑल सर्वे जिस हिसाब से सर्वे के हवाले से मैं बात करूंगा इसमें जो निकोटीन है उसका सर्वे बताया जा रहा है 94.4, साथ ही साथ जो दूसरा मेडिकल ओपिट्स है उसका 65% बताया जा रहा है, कैनपीज का 63 बताया जा रहा है, बेंजोमेटाइज का 45% बताया जा रहा है, और जो एडिक्टेड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है खासतौर पर जो इजीली अवेलेबल जब आप प्रिस्क्रिप्शन के जरिए सब्सटेंस यूज करते हैं उसका एक रेशियो 43.4 बताया जा रहा है। तो इसमें हम कैसे भूल सकते हैं जबकि मार्केट में आप अल्कोहल भी मिलेगा या कोकीन भी मिलेगा, कोकाइन भी मिलेगा, तो ये चीजें 32% या 7% तक दिखाई दे रही है। मगर जहां तक काउंसलिंग का ताल्लुक है, जहां तक प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, जहां तक मैं कहूंगा कि एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट का ताल्लुक है, इन बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल टू प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो करियर काउंसलिंग रिलेटेड प्लानिंग जो है उसमें काफी ज्यादा छूट है, उसमें काफी ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा है क्योंकि मेंटली जिस तरीके से फिजिकली स्टूडेंट्स को एक प्रॉपरली समझाना है कि इस चीज से दूर रहे, उस प्लानिंग को इंश्योर करने के लिए आपके लिए आपका काउंसलर स्कूल में होना जरूरी है। अब अगर इसी मेजोरिटी को लेकर मैं बात करूं तो कितने सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जिनको स्टूडेंट्स के लिए हायर किया गया है, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, अब जब इसी बात को हम डायरेक्ट एजुकेशन के पास पहुंचाते हैं, सदरों साहब के पास पहुंचाते हैं, उनका मानना है कि नो डाउट ड्रग अब्यूज जो है ये एक अलार्म कह सकते हैं सिचुएशन है, मगर डिपार्टमेंट ट्रेन कर रहा है काउंसलर्स को ताकि वो स्कूल्स में वो काउंसलर्स पहुंचे और इन चीजों के साथ इंश्योर करें बच्चों को। मगर दूसरे साइड से अगर देखेंगे सेमिनार्स या खासतौर पे की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे खासतौर पे काउंसलर्स के लिए, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए। मगर मैं खाली आपको आसिफ ये जरूर बताना चाहूंगा एक हाथ से ताली नहीं बजती है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली ज्वाइंट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड टू कर्व, यानी इस चीज को खत्म करने, इस मिनेंस को खत्म करने के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स की जरूरत है, वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स की जरूरत है, काउंसलर्स की जरूरत है, ताकि इसमें पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए ताकि सिस्टम को धीरे धीरे हम खत्म कर सके। मगर मामला जिस तरीके से जमीन स्तर पर है, चाहे वो पेरेंट्स के एंड से हो, स्कूल के एंड से हो, कम्युनिटी में अब ये स्प्रेड हो रहा है, मगर कितना कुछ ऐसा मार्क है, बेंचमार्क है। देखिए एक जमाना था तो घर में अगर स्टूडेंट अपना बैग स्कूल से ले जाता था उसे डर रहता था कि कहीं मेरा पेरेंट उसे चेक ना करे कि आखिरकार इसमें क्या है। आप आजकल के टाइम में कितना देखते हैं अपने बच्चों को, जो माँ बाप है उनके क्लोथ चेक करते हैं, उनकी चीजें चेक करते हैं, उनके वार्डरोब चेक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बिटवीन अगर स्कूल्स की मैं बात करूं तो देर इज नो सर्वे, देर इज मैं कहूंगा कि इस तरीके का हैमर भी नहीं है, और जब तक काउंसलर्स नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर वर्कशॉप नहीं होगा, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, जब तक इस चीज को पूरी तरह से निकाला नहीं जाएगा बच्चे को कि ये एक बहुत बड़ा मिनंस है,
जो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है, कम्युनिटी को तबाह कर सकता है, तब तक इससे बात नहीं बनी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं, उन स्टूडेंट काउंसलर्स होने चाहिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट बताती है कि सरकार की तरफ से हिदायत जारी दी गई, लेकिन खुल्लम खुल्ला कैसे उनके खिलाफ वर्जी हुई, किसी ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया, ये भी एक मेजर कंसर्न है कंसर्न अथॉरिटीज के लिए। अगर नहीं होता, छोटे छोटे मामला हो, उनमें फीस हो, बाकी चीजें, काफी ज्यादा उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाता, लेकिन ये वो मसला है जिस पर इस वक्त आइमा मसाजिद, मजहबी पेशवा कह लीजिए, या फिर दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी भी काफी इस पर तश्वीश का इजहार कर रही है, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खराब है। 5.5 से 6 लाख अंदाजे के मुताबिक ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 से 30 और 40 के दरमियान की हैं, लेकिन मंशियात की लत में इस वक्त कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल इससे भी और अबतर ना हो, और अबतर होगी ही क्या जो हुई है, लेकिन फिर भी एक कोशिश थी, शायद उस कोशिश को भी कहीं गैर संजीदगी का मुजाहरा उस पर कुछ स्कूलों की तरफ से किया गया। स्कूलों की बात हुई है तो अब जरा फीस के ताल्लुक से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, जहां हम जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल में थाले में इंतजाम की बात कर रहे हैं, अब जरा बात करेंगे फी फिक्सेशन कमेटी की। उनकी जानिब से प्राइवेट स्कूलों को ये हिदायत बाज़ाब्ता तौर पर अब दी गई है, उनको इंतबाह किया गया है कि जो फीस से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से कहा गया है, क्योंकि कुछ शिकायतें मौसूल हुई थी कि जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा फीस जो है बड़ी रकम वसूल की जाती है, जब चाहे एडमिशन के दौरान या दीगर कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जब बच्चों से फीस वसूला जाता है, बड़ी रकम वसूल की जाती है, तो उस शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से स्कूल, प्राइवेट स्कूलों के जो इंतजाम है उनको इंतबाह दिया गया है। उनसे बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसी शिकायतें मौसूल हुई। और साथ ही साथ फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन स्कूलों ने बच्चों से ज़्यादा फीस वसूला है, जिन स्कूलों ने बच्चों से ज़्यादा जो रकम जो है वसूल की गई है वो उन पेरेंट्स को वो वापस दे, ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हुक्मनामे जो हिदायत दी गई है फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो ज़्यादा जो बारी रकम है वो वापस करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, चेयरमैन फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के हैं जस्टिस रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन अतार, जो कि साबिक जज हैं। एक ताज़ा हुक्मनामा जारी हुआ है कि निजी स्कूलों की जो इंतजामिया हैं अपनी आला सौदेबाजी की पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, मुबैना तौर पर तलबा से सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर भी भारी रकम की अदायगी होती है, फंड्स हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, इनमें दाखिला फीस के तौर पर वो इनसे लेते हैं, लेकिन ये जो इजाफी रकम, यही जो ज़रूरत से ज़्यादा फीस है वसूल करने वाले तमाम स्कूलों को अब वार्न किया गया है इस ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक। साहिल इकबाल हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ हैं। साहिल, क्या मज़ीद तफसीलात हैं, और ये जो कहा जा रहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर स्कूलों की तरफ से लिए जाते हैं, इसमें कोई तस्दीक हो पाई है कि स्कूल कितना पैसा और क्यों लेते हैं, किस मकसद से, और वालदेन इस चीज़ से पहले से आगाह हैं जिसके बाद अब ये हुक्मनामा जारी करना पड़ा है FFRC को? बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हमने इससे पहले भी कई दफा ये खबर पहुंचाई है, और अभी चूंकि वादी कश्मीर की खासतौर पर बात करें तो जो यहाँ पे जो किंडरगार्टन स्कूल्स हैं उनकी अभी एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो चल रही है, और इस बीच में ये फैसला आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर के कुछ नामी गिरामी बड़े स्कूल होते हैं जहाँ पर जैसे ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है तो वहां पर जो है एक कॉम्पिटिशन सा लग जाता है, और जितने भी जो अच्छे खासे लोग होते हैं, यानी जो माली तौर पर अच्छे खासे लोग होते हैं, उनका एक कंपटीशन लग जाता है, और हर कोई ये चाहता है कि बड़े स्कूल्स में उनके बच्चों के लिए सीट जो है रिजर्व रखी जाए, उसको हासिल किया जा सके। और इस बीच में कुछ बड़े स्कूल्स जो है वो इस बात का नाजायज फायदा उठाने में लगे होते हैं, और आमतौर पर जिसको बैन किया गया है, जिसको रोका गया है, जो हम एडमिशन फीस मांगते हैं बच्चों से, ये बड़े स्कूल जो है एडमिशन फीस के नाम पर अब दूसरे भी उन्होंने नाम किए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनको बोला जाता है डोनेशन दे दीजिए आप, या आप रिफंडेबल जो या पैसा यहाँ पर जमा करवाइए, या उसके बाद
यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई, तो इस ऐसे नाम रखे गए हैं अब इसके, और इसमें बड़ी बड़ी रकमें जो है उनसे वसूली जाती हैं। लेकिन पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देखते हैं ये चीजें, और वो ये पैसे दे देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम गरीब गुरबा लोगों की बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं इस चीज से, और कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये इलीगल है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कानून में। और पहले ही अगर हम देखें तो इसके लिए बाजाबता से ममानियत दी गई है, और जो सेक्शन 20E है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट का, उसके तहत इसके खिलाफ जो है इसको बैन किया गया है, और कोई भी स्कूल जो है आपसे ये चार्जेस नहीं ले सकता है, एडमिशन फीस नहीं ले सकता है। और इस पर अब FFRC जो फीस रेगुलेशन जो है कमेटी है, रेगुलेशन कमेटी है, वो अब मुतहरिक हो गई है, और उन्होंने बाजाबता से एक आप यूं मान लें कि एक वार्निंग जारी की है तमाम स्कूलों को जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं, और पेरेंट्स से जो है पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं कि वो इस तरह की फीस वगैरह जो है अदा करें। तो FFRC के इस ऑर्डर में बाजाबता से उनको एक वार्निंग दी गई है उन तमाम स्कूलों को कि वो इस चीज से बाहर आ गए, और अगर किसी स्कूल में अभी तक वो फीस वसूली है पेरेंट्स से तो उन फीस को जो है वापस किया जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। जिन आसिम यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस तरह के ऑर्डर्स हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन ऑर्डर्स कहीं जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आते हैं, और अगर इस तरह का ऑर्डर जो है सामने आया है ये एक खुशायन बात है और पेरेंट्स के लिए राहत की बात है। लेकिन इसको सिर्फ कागजी तौर पर जो है नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसको जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट होते हुए देखना चाहिए, तभी जाकर जो है पेरेंट्स जो है वो इससे खुश हो सकेंगे, और उनका एतमाद जो है फीस रेगुलेशन कमेटी, फीस रेगुलेशन और रेगुलेशन कमेटी पर ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाफ आने वाले वक्त में कार्रवाई भी हो सकती है, जो फीस के नाम पर इजाफी रकम वालदेन से हासिल करते हैं या उन्हें मजबूर इस बात पर करते हैं, और FFRC की तरफ से जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से नया हुक्मनामा जारी किया गया है। अब हुक्मनामा जारी हुआ है, उम्मीद भी ये करनी चाहिए कि इस पर एक रिएक्शन आता है तो चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, वो इस बार ना हो। वालदेन पर वाकई में अगर संजीदगी के साथ सोचा गया है कि उन पर बोझ है तो फिर उसको कम भी किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात अब नेशनल हाईवे की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इन दिनों मजीद परेशानियां आ रही हैं, जहां पर एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने कल हुकूमत पर यकी बात दीगर वार किए, दूसरी तरफ सूबाई इंतजामे का जवाबी बयान भी आया, और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले की तरफ से भी कहा गया कि इस बार सेब की काफी ज्यादा जो है वो पहले के मुकाबले हम देख रहे पैदावार है, और उसकी वजह से ट्रक्स काफी ज्यादा हैं, और फ्रूट से लदे हुए जो ट्रक्स हैं वो इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर पहुंचते हैं तो लंबी कतारें लगती हैं, ज्यादा ट्रक्स या ज्यादा फ्रूट का होना भी परेशानी का सबब है। लेकिन इंतजामे के पास कोई इसका रास्ता है, कोई फ्यूचर प्लान है, ये उन्होंने नहीं बताया, इस पर उन्हें हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से मीटिंग की गई और उसके बाद एक बयान जारी किया गया, और इस बयान में उन्होंने क्लियर कहा कि जो इस वक्त स्मूथ व्हीकुलर मूवमेंट होनी चाहिए, सही तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट चले नेशनल हाईवे के ऊपर, कंसर्न अथॉरिटीज को, जिसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर चूंकि ट्रैफिक पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, मुख्तलिफ एजेंसियां कामकाज भी कर रही हैं, और साथ ही साथ नोमैडिक मूवमेंट काफी ज्यादा है इस वक्त, जो गुजर बकरवाल है वो भी अपने माल मवेशी को लेकर वापस वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं। इधर SRTC ने 300 के करीब गाड़ियां जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने उन लोगों को दी हैं वो भी माल मवेशी को लेकर वापस आती हैं। इन सब के बीच में जो जरूरी सप्लाई है, जो वादी से फ्रूट मुल्क के बाकी हिस्सों में जाता है, दुनिया भर की मंडियों में जाता है, वो कामकाज मुतासिर बुरी तरीके से हो रहा है, इसका नोटिस एक बार फिर लिया गया। हालांकि पिछले 5 दिनों के दौरान हम देखेंगे, और ये दूसरी मीटिंग है, फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कहीं कोई गैर जरूरी तरीके से कोई रुकावट इन ट्रक ड्राइवरों को या ट्रांसपोर्टर्स को पेश ना आए, और ये जो शिकायत आ रही है कि टोल प्लाजा के आगे पीछे जो कोई 5,000 ले रहा है, कोई 8,000, तीन दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, इस तरह की शिकायतें जब मौसूल हुई हैं तो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, अरुण कुमार मेहता की जानिब से कल एक जो है उन्होंने मीटिंग की सदारत की, और मीटिंग के बाद ही सभी अफसरान को हिदायत दी गई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जो माल से लदी जो ट्रक हैं उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाए, और उन्हें बिला खलल बाजाबता तौर पर यह कहा गया है। मीटिंग के बाद ही सभी अफसरान को हिदायत दी गई है कि उन्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इस सिलसिले में पहले जिस तरह से किसानों की शिकायत थी, जो मेवा से वाबस्ता लोग हैं उनकी शिकायत है कि बिला वजह उन्हें रोका जा रहा है, मुख्तलिफ मकाम पर जहां काजीगुंड और दीगर जो नेशनल हाईवे पर मकाम हैं उन्हें बिला वजह वहां पर रोका जा रहा है, उसका
का संजीदा नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वादी से जितनी भी मेवा से लदी गाड़ियां आएंगी, जितने भी ट्रक्स आएंगे, उन्हें बिला वजह ना रोका जाए, उन्हें बिला खलल आगे जाने की इजाजत दी जाए ताकि उन्हें मजीद नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चंद रोज कबल ही जिस तरह से मेवा से लदी गाड़ जो तकरीबन एक एक हफ्ते 8-8 दिन 10-10 दिन तक रुकी रही, उसके बाद ही जब वो अपनी अपनी मंजिल पर पहुंची जहां उन्हें मंडियों तक जाना था, तो वहां जब देखा तो उनका जो माल था वो खराब हो चुका था, उसके बाद ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो उसके बाद ही जब उन्होंने इंतजामी से अपील की है इस सिलसिले, तो बाज़ाब्ता तौर पर एलजी ने आज खुद इसका नोटिस लिया। उसके बाद सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से भी जो अफसरान को हिदायत दी गई, अब कल बाज़ाब्ता तौर पर अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि बिला खलल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की जो नकल मकानी है उन्हें यकीनी बनाए, और साथ ही साथ अफसरान को इस हवाले से हिदायत दी गई है। तीन बड़े पॉइंट्स उनकी तरफ से उठाए गए कि अगर कहीं पर ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कहीं पर टनल्स का काम चल रहा है, जो मैं पहले कह रहा था एजेंसियां काफी जगहों पर मसरूफ हैं, उसकी वजह से स्टोन शूटिंग भी होती है, जैसे थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो ब्लैक टॉपिंग होती है, टनल का काम हो रहा है, या फिर अगर कोई बीच में कोई ट्रक ऐसा होता है जो ओवरलोडिंग की वजह से बाकियों के लिए परेशानी कर रहा है, एक तो उन ट्रकों को आगे जाने की इजाजत ना दी जाए जो गैर जरूरी तौर पर ये जो ओवरलोडिंग का सिलसिला है वो रुकना चाहिए, दूसरा अगर कहीं ब्लैक टॉपिंग हो रही है या टनल्स वगैरह कटिंग हो रही है उसके लिए, तो उसकी वजह से अगर ट्रैफिक रुकता है तो जवाहर टनल के रास्ते अगर मुमकिन है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि जो लिंक रोड्स हैं उनका सहारा लेकर इन गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर निकाला जाए जिनमें फ्रूट है, दूसरा सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं जो मुगल रोड है जो कनेक्ट जम्मू के थ्रू करती है कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ, उस रास्ते से भी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाए, ये कंसर्न अथॉरिटीज के साथ कल उनकी तफसीली गुफ्तगु हुई है, उसके बाद एक बयान जारी कर दिया गया सरकारी तौर पर। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब खवातीन की भी करते हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि कामकाज तमाम शोबों का ठप होकर रह गया, बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन खवातीन भी मर्दों की तरह इस बात पर काफी ज्यादा मजबूर हुई या परेशान रही कि आखिर उनके खानदानों की कफालत कैसी हुई। बड़े बड़े नौकरियों के, बड़े बड़े डिग्रीज के ख्वाब देखने वाली कई खवातीन जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे छोटे काम करके अपने खानदानों की कफालत की, और उनमें कई खवातीन के नाम सामने आए, लेकिन बड़ी बात जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पीरियाडिक ये जो सर्वे हुआ है जिसमें पता चला कि जो लेबर फोर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खवातीन की अच्छी खासी तादाद पिछले 10-15 दिनों के दौरान भी हमने देखा कि अलग अलग सर्वे आए, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि लेबर फोर्स सर्वे वबाई मर्ज के बाद कामकाज काफी ज्यादा बढ़ा जिसमें खवातीन का एक बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के बाद ही जम्मू कश्मीर में काम करने वाली जो ख्वातीन हैं उनका तनासुब बढ़ा है, कहीं ना कहीं 32.8% बढ़ गया, जो कि कौमी सतह जो नेशनल एवरेज है उसे 7% कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और लॉकडाउन की वजह से शदीद माली परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके बाद ही ख्वातीन को काम करना पड़ा। क्योंकि कुछ ख्वातीन का मानना है कि जब वो पढ़ाई कर रही थी लॉकडाउन से पहले, आलमी वबा से पहले जब वो पढ़ाई कर रही, तालीम हासिल कर रही, तो जब लॉकडाउन हुआ तो उनके जो घर में जो कमाने वाले लोग थे, चाहे उनके फादर थे, चाहे उनके ब्रदर थे, या कोई और लोग जो काम कर रहे थे, उनका काम छूट गए, यानी कि वो उनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्हें मजबूरन अपनी तालीम छोड़नी पड़ी और मजबूर होकर उन्हें काम करना पड़ा, चाहे निजी कहीं पे कुछ इदारे ऐसे होते हैं निजी इदारे जहां पर उन्हें काम करना पड़ा और अपनी तालीम को वहां पर ड्रॉप करके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इसी के बाद सिलसिले में जो सर्वे हुआ है ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बाद ही ख्वातीन में काम करने का रुझान जो है वो तनासुब जो है वो बढ़ गया है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो लॉकडाउन के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर ख्वातीन ने अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम छोड़कर काम करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 3,933 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, यानी MSMEs यूनिट्स हैं जिनको ख्वातीन आज के वक्त में चलाती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें ऑन करती हैं, और वादी में पिछले 1 साल के दौरान इन यूनिट्स में इजाफा देखा गया है। इसी तरीके से गांव के अंदर जहां पर LFPR जहां पर ख्वातीन की तकरीबन 35% से ज्यादा ऐसी तादाद है जो कोविड के बाद से भी, तकरीबन शहरी इलाकों में 22% से ज्यादा ख्वातीन, जबकि 35% से ज्यादा ख्वातीन जो जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में गांव से जुड़ी हुई हैं, लेकिन गांव में होने के बावजूद भी लॉकडाउन की वजह से जो शदीद माली परेशानी का सामना रहा उससे बाहर निकलने के लिए इन ख्वातीन ने काम इस वक्त शुरू किया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है LFPR वो ख्वातीन का तमाम एज ग्रुप्स में काफी ज्यादा है,
और ये 2021 में 32.8 तक बढ़ गया है। सरकारी तौर पर जो आदादोशुमार सामने आए वो बताते हैं कि कई स्कीमें सरकार की तरफ से शुरू की गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए ताकि खवातीन को उसमें इन्वॉल्व किया जा सके, उनके रोजगार का भी मसला हल हो, मगर बावजूद इसके खवातीन इस बात पर मजबूर हुई कि वो कोविड के बाद अपना घर बार चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने यूनिट्स के तहत काम शुरू करें। अब यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और कौमी और आलमी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। लद्दाख से भी एक और अहम खबर आ रही है।